हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जल्दी से इस लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि ये है आपका पार्ट नंबर 2, जिसमें हम पुराने 6 मंथ के जो भी आपका करंट अफेयर है SBI मेंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका जुलाई मंथ का ऑलमोस्ट करंट अफेयर पूरा हो चुका है, जिसमें एक ही पार्ट में हमने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब ये आपका पार्ट नंबर 2 है, तो टोटल 6 मंथ के करंट अफेयर के लिए हम टोटल 10 पार्ट्स लेके आने वाले हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग एक एक पार्ट डेली लेके आएंगे, जिससे आपका जल्दी जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बार लिंक को शेयर करेंगे और ये आपका टेस्ट होगा। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक बार। सो हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड द इनिशिएटिव टू कंट्रोल फुट एंड माउथ डिजीज़। ये जो FMD है, फुट एंड माउथ डिजीज़, जो एनिमल्स हस्बेंड्री सेक्टर में है, एनिमल्स में होती है FMD, तो उसके लिए कितना पैसा एलोकेट किया है। जल्दी से इसका सही जवाब बताएंगे कि क्या इसका सही जवाब होगा। और सही ऑप्शन है 13,343 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो बताया है कि अगले 5 सालों में इस जो डिजीज़ है FMD, उसको पूरी तरीके से रेडिकेट कर देंगे यहाँ पे, और अगले 5 सालों के लिए फ़ंड एलोकेट किया गया है 13,343 करोड़ रुपये का। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। द एडमिशन फीस वेवर स्कीम फॉर आसाम। असम गवर्नमेंट ने एक फीस वेवर स्कीम शुरू की है, जिसमें पेरेंट्स की इनकम कितनी होनी चाहिए, यानी किससे कम होनी चाहिए, लेस देन हाउ मच अमाउंट, जिससे क्या होगा जी, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन और पूरी तरीके की जो शिक्षा है वो पूरी तरीके से फीस वेव की जाएगी, यानी फ्री की जाएगी। तो पेरेंट्स की इनकम कितनी होनी चाहिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसका सही जवाब है 2 लाख रुपीज़ पर एनम, यानी कि अगर पेरेंट्स की इनकम 2 लाख से कम है तो आपकी जो फीस है वो आपको नहीं देनी पड़ेगी, वो आपकी फीस एकदम फ्री हो जाएगी। ठीक है, वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सबके लिए रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम बता दें कि असम के CM और गवर्नर कौन है, आप लोग कमेंट करके जल्दी से हमें बता सकते हैं। तो असम के CM जल्दी से बता दें, सर्वनंदा सोनवाल। और जल्दी से गवर्नर, जगदीश मुखी। तो गवर्नर है जगदीश मुखी और CM है सर्वनंदा सोनवाल। ठीक है, हम सारे क्वेश्चंस का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, एक बार आप पढ़ते चले जाइए। अगला सवाल है, जॉस एंटोनियो रोयस हैज़ डाइड रिसेंटली वाज अ प्रोफेशनल। कौन थे ये जो अभी रिसेंटली, देखिए एबिचुरी हुई है, आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी 27 जुलाई को एग्जाम हुआ था, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे ऐसे आए थे। कौन से आए थे, आई विल टेल यू। ठीक है, तो इसका सही जवाब जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और सही जवाब है, फुटबॉलर हैं ये, स्पेन के फुटबॉलर हैं ये, थे जॉस एंटोनियो रेज। जॉस एंटोनियो रेज फुटबॉलर थे स्पेन के। ठीक है, चलिए, नेम द इंडियन हु हैज़ बीन फेलिसिएटेड विद मैक्सिको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल। क्या है इसका नाम, ये इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ एजटेक ईगल है, और जो मैक्सिकन लैंग्वेज में है वो कुछ और नाम है उसका। तो आपको नाम बताना है कि किस इंडियन को, ये देखिए फॉरनर को दिया जाता है मैक्सिको के अंदर, कि फॉरेनर्स को दिया जाता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है एक तरह से, ये उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द एजेक्ट। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसे मिला है, और इसका सही जवाब है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर है। और सही जवाब है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सो प्रतिभा पाटिल जो हमारी एक्स प्रेसिडेंट हैं, उन्हें ये मिला है, प्रतिभा पाटिल को ऑर्डर ऑफ द एजटेक ईगल अवार्ड। ये मैक्सिको का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच इंडियन PSU वॉज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। तो इसका सही जवाब जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देंगे कि क्या इसका सही जवाब है, कि कौन से PSU सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है 18-19 का फाइनेंशियल ईयर की बात करें। तो सही जवाब आएगा ONGC। ठीक है, ये सवाल 27 जुलाई को जो IBPS ने अभी लिया है FCI मेंस का, उसमें आया था, और ये मैंने आपको कराया भी था, ये मैं फिर से करा रहा हूँ सारे बच्चों को, जिसने पढ़ा होगा बहुत फ़ायदा था। लेकिन उसमें ये क्वेश्चन आया था कि उसने किसको पछाड़ के आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो उसका सही जवाब है IOC। तो IOC को पछाड़ के इन्होंने ONGC ने नंबर 1 पोजीशन हासिल कर दी है फाइनेंशियल में, फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट की। अच्छा, मैं इसकी बात करूँ तो ये मैंने अपनी PDF की एक्सप्लेनेशन में आपको बता रखा था, तो PDF पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जुलाई की PDF पूरी मैं आपको दे चुका हूँ, जिसमें मैंने अंडर मार्क कर रखे हैं क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आज मैं ये जून के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो जून की पूरी PDF ये 2 पार्ट में लेके आऊँगा, पार्ट 1 आज और पार्ट 2 शाम को आ जाएगा। तो आपको दोनों पार्ट एक साथ में शाम को ही PDF अपलोड करूँगा, अभी नहीं मिलेगी, ध्यान रहे,
वीडियो अच्छे से देखें, समझें, याद करें और पीडीएफ शाम को आपको मिल जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पुर्टो विलियम्स विच होल्ड द टाइटल ऑफ बीइंग द साउथ मोस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में, पूरे साउथ में, पूरे विश्व की साउदर्न मोस्ट सिटी का नाम है पोर्टो विलियम्स, ये कहाँ की है? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। और मैं इसके बारे में बताऊँ, ये पहले गांव हुआ करता था, मतलब हैमलेट होता था, लेकिन इसको सिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये नाम क्या है, अपग्रेड हो गया है सिटी के रूप में, मतलब अब ये हम इसको बोल सकते हैं कि साउथ मोस्ट सिटी कौन सी बन गई है पूरे विश्व की, और उसका नाम है पोर्टो विलियम्स। ये नाम भी एग्जाम में आ सकता है कि इसका नाम क्या है, तो इसका ये कहाँ पे है, ये है चिले में, चिले। सो चिले में है पोर्टो विलियम्स साउथ मोस्ट, ठीक है, साउथ मोस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड। अगला है, विच हाई कोर्ट, कौन सी हाई कोर्ट ने रिसेंटली अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी फॉर अ रिपीट रेप ऑफेंडर्स, ठीक है, जो रिपीट रेप ऑफेंडर्स हैं उनके लिए यहाँ पे डेथ पेनल्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वैलिडिटी दे दी है, और वो कौन सी हाई कोर्ट ने किया है, उसका सही जवाब है, जल्दी से एक बार आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, उसका सही जवाब है बॉम्बे हाई कोर्ट। थोड़ा स्पीड से भी पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, कमेंट में आप स्पीड से आंसर देंगे जिससे कम समय में हम ज़्यादा पढ़ पाएँ, तो इसका सही जवाब है बॉम्बे हाई कोर्ट। रिवीजन करते हुए हम 5 मिनट में सारे क्वेश्चंस कवर करना चाहेंगे। विच एयरलाइन रिज्यूम इट्स फ्लाइट्स टू पाकिस्तान आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सस्पेंशन, 10 साल के बाद, यानी कि 2008 में इसको सस्पेंशन कर दिया गया था बॉम्ब ब्लास्ट के चलते, जहाँ पे 50 लोग मारे गए थे, वहाँ पे इसकी पाकिस्तान की तरफ को फ़्लाइट कैंसिल कर दी थी, मतलब ख़त्म कर दी थी, बंद कर दी थी। अब किस देश की एयर, मतलब किस एयरलाइन ने ये अपनी वापस से रिज्यूम किया, उसका नाम है ब्रिटिश एयरवेज़। सो ब्रिटिश एयरवेज़ ने यहाँ पे फिर से रिज्यूम कर दिया है अपना 2019 से, तो लगभग लगभग 10 साल बाद, पूरे एक डिकेड बाद यहाँ पे इस चीज़ को फिर से रिज्यूम किया है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले, अगर जो नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस नंबर पे आप अगर ज्वाइन लिख के 9121815869 पे अगर आप ज्वाइन लिख के मुझे मैसेज करते हैं, तो हम आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वहाँ पे दे सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च जुड़ने का एक तरीका और है, आप टेलीग्राम ऐप खोल के सर्च ऑप्शन में जाके सलेक्शन मेंटर जो है उसको सर्च करेंगे, सलेक्शन मेंटर लिखेंगे तो आपको पूरा एक लोगो नज़र आएगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो टेलीग्राम पे जुड़ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इंडिया शेयर्स द टॉप रैंक इन अर्नेस्ट एंड यंग्स EY ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन इंडेक्स 2019 विद विच कंट्री, इंडिया टॉप रैंक शेयर की है किस कंट्री के साथ, मतलब इंडिया और दूसरी कंट्री कौन है जो टॉप पे आए हैं, और फिर सेकंड पे कौन आया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर है इसका एक बार कमेंट सेक्शन में बेटा जल्दी से बता देंगे। सो इंडिया और चाइना यहाँ पे टॉप किया है, इंडिया और चाइना में EY ग्लोबल फिनटेक अडॉप्शन इंडेक्स में, ठीक है, तो इसको याद कर लें। और सेकंड पोजीशन में कौन आया है, मैं आपको बता दूं कि सेकंड पोजीशन में आया है रशिया एंड साउथ अफ्रीका। कौन आया है सेकंड पोजीशन में, रशिया एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, EY ग्लोबल फिनटेक अडॉप्शन इंडेक्स, इंडिया और चाइना ने क्या किया है, टॉप किया। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग मुझे दे दें, विच टीम हैज़ वॉन 2019 UEFA चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप लोग, जल्दी से इसका आंसर आप लोग मुझे दे देंगे। और इसका सही जवाब है लिवरपूल। सो लिवरपूल इज़ द करेक्ट आंसर, उसने टोटेनहम हॉटस्पुर को हरा के 2-0 से हरा के लगभग 5वीं और 7वीं बार लगभग खिताब अपने नाम किया है। तो फिलहाल ये है कि 2019 का UEFA चैंपियनशिप, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, सोच के समझ के, ठीक है। तो UEFA की फुल फॉर्म क्या है आप मुझे बताएंगे। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर लिवरपूल है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज पर द वर्ल्ड बैंक फॉर द फाइनेंशियल ईयर। देखिए जितनी भी ये रेटिंग्स हैं या रेटिंग और ग्रोथ हैं, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, तो कमेंट सेक्शन में इसकी डिमांड आप कर सकते हैं। बहुत प्यारी सी वीडियो, 10 मिनट में पूरा PDF बना के मैं आपको देना चाहूँगा, ठीक है, जिसमें अच्छे से सारी चीज़ ट्रिक के माध्यम से आप लोग सारा अच्छे से कर पाएँ। तो इसका आंसर जल्दी से मुझे दे देंगे, और सही जवाब है वर्ल्ड बैंक ने कहा है 7.5% की ग्रोथ होने वाली है इंडिया की। सो व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज पर द वर्ल्ड बैंक फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। तो ये भी याद रखना कि कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं और किसने दी है वो ग्रोथ रेट या फिर रैंकिंग, तो उसमें आप बताएंगे 7.5% वर्ल्ड बैंक ने दी है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक और चीज़ कि RBI से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं सोच रहा हूँ सबकी एक छोटी सी वीडियो बना के लगभग 20-30 क्वेश्चन जो मई जून जुलाई में जितने भी RBI ने स्टेप्स लिए हैं या फिर RBI की न्यूज़ है,
क्योंकि SBI मेंस में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये एक्वायर्ड वाली न्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए, नेम द कंपनी विच एक्वायर्ड द लंदन बेस्ड स्टार्टअप फेबुला AI। फेबुला AI को यहाँ पे क्या कर दिया है, एक्वायर्ड कर लिया। उसका सही जवाब आप लोग दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे, ट्विटर। सो ट्विटर इज़ द करेक्ट आंसर, सो ट्विटर इज़ द करेक्ट आंसर। ट्विटर ने यहाँ पे फेबुला AI को यहाँ पे स्टार्टअप जो है ये इसको यहाँ पे एक्वायर्ड कर लिया है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड की गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड द हज हाउस इन विच ऑफ द सिटी रिसेंटली। कौन सी सिटी में हज हाउस शुरू किया है, और जल्दी से बता देंगे यहाँ पे इसका आंसर, और झारखंड के CM भी बता दो, रघुवर दास, जल्दी से इसका आंसर दे देंगे। रघुवर दास इज़ द CM। तो यहाँ पे गवर्नर भी मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएंगे आप लोग। और मैं आपको बता दूँ कि हज हाउस इन विच सिटी में शुरू किया है, उसका नाम है रांची। तो रांची में झारखंड में यहाँ पे शुरू किया है क्या, हज हाउस। ठीक है, तो ये उनको बोला है कि आपके लिए तोहफा है, ईद से पहले का तोहफा है। ठीक है, ईद आपको पता है लगभग 12 अगस्त समथिंग को है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया हैज़ मैंडेट टू मैंशन UDIN नंबर। देखिए ये फुल फॉर्म भी आ सकती है, ये फुल फॉर्म भी आ सकती है, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सारी चीज़ें मैं लेने की कोशिश करता हूँ। मेंशन UDIN नंबर इन विच ऑडिट इन ऑडिट रिपोर्ट इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। कौन सी डेट से अगर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं तो उसमें UDIN नंबर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब पहले आप जान लेंगे और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें। उसका सही जवाब है 1 जुलाई 2019 से ये मैंडेटरी है कि आप UDIN नंबर दें। और UDIN नंबर की फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाती है, और वो है यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, और ICA की है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2019 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो कौन सी सिटी में ये होगा ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आजकल के टाइम में। और इसका सही जवाब है द हेग, नीदरलैंड में है द हेग। आपको पता है इंटरनेशनल कोर्ट भी है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं उसको रिपीट कर दूँ, ग्लोबल इंटर्नशिप समिट 2019 विल बी हेल्ड इन विच सिटी, सो द हेग। अगर आप इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करेंगे, लाइक तो चलिए आप करते ही हैं, लाइक जल्दी से कर देंगे अभी इस वीडियो को, लाइक कर देंगे, यहाँ पे थम्स अप कर देंगे, और शेयर करना ज़रूरी है। अगर आपको हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो हम बहुत सारे जो 10 पार्ट बचे हुए हैं इसके, सारे पार्ट एग्ज़ाम से पहले लाके आपको पूरा कवर करा देंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दिस इंस्टीट्यूट हैज़ अप्रूव्ड 287 मिलियन लोन फॉर तमिलनाडु हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम। तो 287 मिलियन का जो लोन है तमिलनाडु को मिला है, वो किसने दिया है हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म करने के लिए। और सही जवाब यहाँ पे इसका हो जाता है वर्ल्ड बैंक। सो 287 मिलियन लोन का दिया है, मिलियन डॉलर का लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने। तो तमिलनाडु सरकार को एक तरह से मिला है ये हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म करने के लिए, वर्ल्ड बैंक ने दिया है 287 मिलियन। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। हु अमंग दीज हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। सो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है, उसका सही जवाब देखिए दो बंदों को मिला है। एक है गूगल के CEO सुंदर पिचाई, और एक है नैसडैक के प्रेसिडेंट, दोनों को मिला है यहाँ पे, नैसडैक के प्रेसिडेंट अडेना फ्राइडमैन। यहाँ पे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है दो लोगों को, गूगल CEO सुंदर पिचाई को, नैसडैक के प्रेसिडेंट अडेना फ्राइडमैन। सो नैसडैक की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग बताएंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च द प्रोप्राइटरी टूल MyPQ। MyPQ का फुल फॉर्म है माई प्रोटेक्शन क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है, एक तरह से प्रोप्राइटरी टूल है MyPQ, और ये किसने लॉन्च किया है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने। देखिए पहले से बोल दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, तो आपका जो इंश्योरेंस का एग्जाम आने वाला है LIC ADO का, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सारे ही क्वेश्चन। सो हैज लॉन्च द प्रोप्राइटरी टूल फॉर MyPQ। तो सही जवाब है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो क्या सही जवाब है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इसकी फुल फॉर्म भी MyPQ की भी आ सकती है,
माई प्रोटेक्शन क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड से पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारी ही पीडीएफ में दिया हुआ है, तो मैं पीडीएफ के क्वेश्चन आप इसके अलावा जितने करा रहा हूँ वो सारे पढ़ दें बेटा। जून की पीडीएफ पढ़ लें, जुलाई की पीडीएफ पढ़ लें, जो मैं पीडीएफ बना रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा औसम है, बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होती है इसके अलावा। तो सही जवाब के नीचे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होती है। आप लोगों को मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था कि ब्लैक गोल्ड किसने वहाँ पर रिसर्च किया, ईजाद किया है, इन्वेंशन किया है, तो उसका सही जवाब है TIFR। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ, एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे इसने ये ईजाद किया है, एक बार आप देख लेंगे। मैंने आपको शायद थोड़ा सा वहाँ पे ऑप्शन गलत बोल दिया था, तो पीडीएफ में एकदम सही है लेकिन बोलने में गलती हो गई थी, तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में इसको सही कर लें। ब्लैक गोल्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया, एक ही मिस्टेक हुई थी वहाँ पे, सिर्फ ऑप्शन बोलने में गलती हो गई थी। पीडीएफ देखेंगे तो उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको ठीक मिलेगी। सो गिरीश कर्नाड हु डाइड रिसेंटली वॉज नोटेड, कौन है गिरीश कर्नाड, ये एग्जाम में आया हुआ है। IBPS का भी 27 जुलाई को एग्जाम, FCI मेंस का एग्जाम हुआ है, तो SBI मेंस में इसके जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और भी आने की उम्मीद है। तो ये है एक्टर, तो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, और ये टीचर भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे एक्टर लगाएंगे और बाकी ऑप्शन पूरे कट जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को देखेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे PDF से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इंडियन हिस्टोरियन हैज़ बीन इलेक्टेड एज इंटरनेशनल मेंबर ऑफ अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी। सो इंटरनेशनल मेंबर ऑफ अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी के यहाँ पे मेंबर बनी है, और उनका नाम है रोमिला थापर, जो कि JNU में वहाँ पे प्रोफेसर है। रोमिला थापर हिस्ट्री के प्रोफेसर है, हिस्ट्री की प्रोफेसर है रोमिला थापर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जल्दी से करेंगे। ये करने के बाद हम एक क्विक रिविजन भी करेंगे बेटा, तो जितने लोग यहाँ पे लाइव है बने रहेंगे लास्ट के 5 मिनट तक। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इंडेक्स, कौन सी कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया है। ठीक, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंडिया की रैंक भी यहाँ पे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप इंडिया की रैंक जरूर बताएंगे। और इस सवाल का सही जवाब है डेनमार्क, तो डेनमार्क ने यहाँ पे टॉप किया है। जब टॉप डेनमार्क ने किया है तो सेकेंड पोजिशन पर कौन आया है, सेकेंड पोजिशन पर फिनलैंड आया है, और लास्ट पोजिशन पर कौन आया है, चैड, CHAD चैड, 129वीं रैंक है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि इंडिया की क्या रैंक है, इंडिया की रैंक आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, किस चीज़ की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इंडेक्स 2019। ठीक है, तो टॉप किया है डेनमार्क ने, सेकंड नंबर पे फिनलैंड, और 129वें नंबर पे चैड। अगला सवाल है IRDAI, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जब आपको पता है इंश्योरेंस का पूरा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो भी होती है, रेगुलेशन होता है, तो यहाँ पे IRDAI करती है, IRDA IRDA बोल देते हैं। हैज़ इंक्रीज द थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्मॉल एंड मीडियम प्राइवेट कार बिटवीन 12 से 12.5% फॉर 19, मतलब इतना उसने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है थर्ड पार्टी का 12.5%। द न्यू प्रीमियम रेट विल अप्लाई, यानी ये इस क्वेश्चन के अंदर आंसर भी है एक तरह से, मतलब एक और क्वेश्चन का आंसर है कि उसने कितना रेट इंक्रीज किया है। ठीक है, और लेकिन कब से किया है, तो इसका जवाब 1 जुलाई, तो लगभग जितने भी काम हुए हैं वो 1 जुलाई से एप्लीकेबल हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 जुलाई से नया क्वार्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि RTGS और NEFT की जो न्यू जो फीस वेवर किया है वो कब से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से होगा, है ना, तो ये भी एग्जाम में आया था, आपके समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द मिनिमम लिवरेज रेशियो, लिवरेज रेशियो सेट बाई RBI फॉर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। देखिए DSIB बैंक क्या होते हैं, ये आप मुझे बताएंगे, मैंने जून की PDF में आपको बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि अभी RBI ने किसको DSIB बैंक बोला है, तो कमेंट करके मुझे आप बताएंगे कि किस बैंक को RBI ने DSIB बैंक बताया है, डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक बताया है। अब ये क्या है कि इनको स्पेशल अलाउंस मिल जाते हैं कुछ, व्हाट इज़ द रेट मिनिमम लिवरेज रेशियो सेट बाई, तो डोमेस्टिक के लिए RBI ने कितना सेट किया है, और उसका सही जवाब है 4%। मतलब एक तरह से क्या है कि लोन देने के लिए बैंक को वहाँ पे कुछ थोड़ी छूट दी जाएगी, तो वहाँ पे 4% का लिवरेज, यहाँ पे लिवरेज रेशियो यहाँ पे रखा गया है। और अगर जो बैंक DSIB नहीं है, मतलब नॉन DSIB बैंक है, उनके लिए कितना है ये, उनके लिए है ये 3.5% का, कितना है 3.5% का, और जो DSIB बैंक है उनके लिए है 4% का। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात, DSIB बैंक क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, और किसको अभी RBI ने रिसेंटली DSIB बैंक की सूची में डाला है वो आप मुझे बताएं। ठीक है, अगला सवाल आप लोग पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है विच ऑफ दीज
इज डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और उसका सही जवाब है देखिए 290 किलोमीटर तक मार सकता है प्रिसीजन के साथ, और रेंज उसकी 290 किलोमीटर है, और चांदीपुर उड़ीसा में जो टेस्ट सेंटर है वहाँ पे उसको लॉन्च किया है, उसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल जो 290 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है, रेंज है उसकी, तो वो यहाँ पे बन गया है वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए सो जल्दी से देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है हमारा, द ट्री बैंक हैज़ बीन रिसेंटली बीन ओपन्ड बाय सब्सिडरी ऑफ टाटा स्टील्स इन विच सिटी। टाटा स्टील की एक सब्सिडरी है, उसकी फुल फॉर्म आप मुझे दे सकते हैं, टाटा स्टील की सब्सिडरी का नाम क्या है जो फाइनेंशियल चीज़ें देखती है, और उन्होंने एक ट्री बैंक लॉन्च किया है जिसका नाम ट्री बैंक है। कहाँ पे लॉन्च किया है? जमशेदपुर में लॉन्च किया है। ठीक है, जमशेदपुर में लॉन्च किया है यहाँ पे ये ट्री बैंक, तो टाटा स्टील के नाम से आप देख सकते हैं कि ट्री बैंक लॉन्च किया गया है जमशेदपुर में। अगला सवाल है, विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज द गॉडलाजारा इंटरनेशनल बुक फेयर इन 2019। सो गॉडलाजारा इंटरनेशनल बुक फेयर 2019 किस देश में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? उसका सही जवाब है, जल्दी से बताएंगे, वहाँ पे मैक्सिको में किया है, और इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर रखा गया है, इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर रखा गया। आई थिंक ये 33rd संस्करण है उसका बुक फेयर का, तो आप लोग समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैंने अभी बताया था आपको आरबीआई ने वेव्ड ऑफ कर दिए चार्जेस, ये तो आपको पता है, ये क्वेश्चन ही बनता है। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आरटीजीएस होता है 2 लाख से आई थिंक बड़े अमाउंट के लिए, एनईएफटी होता है 2 लाख से छोटे अमाउंट के लिए। ठीक है, बड़े अमाउंट के लिए आरटीजीएस होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इंस्टेंटेनियस मनी। तो क्या है यहाँ पे, इट विल कम इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। मैंने आपको बताया था कि 1 जुलाई से ये सारे काम होंगे, तो 1 जुलाई से क्या होगा आपके ये सब कुछ लागू हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीवीसी। सीवीसी कौन अपॉइंट हुए हैं? विजिलेंस कमीशन, चीफ विजिलेंस कमीशन, और सही जवाब है शरद कुमार। क्या सही जवाब है? शरद कुमार अपॉइंट किए गए हैं, अभी जब तक नए नहीं चुने जाते तब तक शरद कुमार रहेंगे आपके सीवीसी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपका? अगला सवाल कहता है कि इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने ये साइन किया है? क्या किया है? रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को साइन किया है। तो अगर बात करें तो फ्रांस के रेलवे के साथ इंडिया के रेलवे ने एक ट्रिटी साइन की है, यानी साइन किया है अपना एग्रीमेंट, और वो बताया है कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम आगे मतलब इनकी हेल्प से किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब है फ्रांस। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अंडर हुज चेयरमैनशिप आरबीआई हैज़ फॉर्म्ड अ पैनल टू रिव्यू द एटीएम इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर। तो जितने भी आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोग डिमांड कीजिए वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर 20-30 यहाँ पे कमेंट्स आते हैं आरबीआई की वीडियोस के। मैं 20+ क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊँगा आरबीआई की, अगर आप डिमांड करते हैं तो। ठीक है, और एक स्पेशल वीडियो रहेगी जिसमें रेटिंग्स एंड डेवलपमेंट्स ये रहेंगे आपके, कि रेटिंग्स क्या किसने दी है और कितनी परसेंट कितनी ग्रोथ बताइए इंडिया इकोनॉमी की, तो उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं एक साथ लेके आऊँगा, तो बस आप डिमांड कीजिए। और सही जवाब है इसका वी जी कनन यहाँ पे चेयरमैनशिप मतलब ये इनको असाइन किया है। आरबीआई हैज़ फॉर्म्ड अ पैनल ये एटीएम इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर को यहाँ पे किया है। अब मैं आपको कुछ 5 क्वेश्चन दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर देंगे। मैं सिर्फ 3 सेकंड के लिए क्वेश्चन ओपन करूंगा, तो समझ सकते हैं 15 सेकंड में मैं 5 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, 5ों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ऐसे लेने हैं मोबाइल में आपको। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, और उसके बाद कहीं नहीं जाइएगा, जितने भी लोग हैं हम शुरू से 5 मिनट के अंदर ये सारे 30-40 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये बोला है कितनी एकड़ ज़मीन से कम होनी चाहिए वाईएसआर रायतु भरोसा स्कीम के लिए। अगला सवाल है कि गुजरात में ये कौन सा वाला जो इसका नाम क्या है साइक्लोन का जो आया था गुजरात में। अगला सवाल है यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे ये सॉरी नेम द डैनी डैनी के ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है यूनिसेफ का। ठीक है, SBI है लॉन्च्ड ये डिजिटल रेजिडेंसी प्रॉपर्टी शो डेस्टिनेशन द हाउम द होम शो पे कौन सी सिटी में लॉन्च किया है। अगला सवाल है द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल
कौन सी कम्युनिटी के लिए शुरू किया है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन, तो ये पांच क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे। अब हम लोग वीडियो को शुरू से रिवाइंड करते हैं, तो अगर आप हम साथ बने हुए हैं तो अगले 5 मिनट में ये 30-40 क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, 30+ क्वेश्चन, पार्ट टू बहुत जल्दी लेके आऊँगा शाम तक। आई एम बिट बिजी, पर फिर भी आज संडे है, पर फिर भी आई एम ऑफिशियली काम से आई एम आउट ऑफ स्टेशन, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, होटल में बैठ के रूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव नहीं जा पा रहा हूँ इसलिए। चलिए, तो आप लोग कॉपरेट कीजिए। पहला सवाल है कि थोड़ा सा हम कैजुअल वे में आप पढ़ेंगे यहाँ पे बेटा, अगले 5 मिनट में स्पीड से क्वेश्चन करके हम यहाँ पे ख़त्म करने जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये है कि FMD यानी कि फुट माउथ डिजीज जो एनिमल्स में है उसको एरेडिकेट करने के लिए अगले 5 साल में कितना फंड एलोकेट किया है? 13,343 करोड़ रुपये का फंड एलोकेट किया है। असम गवर्नमेंट ने फीस वेवर की है, जिनकी पेरेंट्स की इनकम 2 लाख से कम है उनको पूरी फीस यहाँ पे वेवर की जाएगी। जॉस एंटोनियो रेज हुज डिड डाइड रिसेंटली वाज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, तो ये प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं जॉस एंटोनियो रेज, और ये स्पेन के फुटबॉलर हैं, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि ऑर्डर ऑफ द एज टेक ईगल 2019 का अवार्ड किसे मिला है? तो सही जवाब है प्रतिभा पाटिल को, जो मेक्सिको का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है उसको मिला है, ठीक है। अगला सवाल, कौन सा PSU जो टॉप पे आया प्रॉफिटेबल पे, वो है ONGC, और किसको पछाड़ा है? IOC को। पुरेटो विलियम्स विच होल्ड द टाइटल ऑफ बीइंग द साउदर्न मोस्ट सिटी, पहले ये हैमलेट होता था मतलब गांव होता था, अब ये सिटी में कन्वर्ट किया पुरेटो विलियम्स, ये चिले में है, चिले में है, साउथ मोस्ट सिटी बन गई है पूरे विश्व की। विच हाई कोर्ट रिसेंटली अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी रिपीटेड रेप के लिए, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है, ठीक है। तो कौन सी एयरलाइन है, उसका नाम है ब्रिटिश एयरवेज, जिसने 10 साल के बाद पाकिस्तान के लिए यहाँ पे फिर से जो अपनी सस्पेंशन था उसको फिर से रिज्यूम कर दिया है, और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ज्वाइन लिख के आप मुझे PDF के लिए मैसेज कर सकते हैं। अगला सवाल है, इंडिया के साथ किसने यहाँ पे टॉप किया? तो इंडिया के साथ चाइना ने टॉप किया है ग्लोबल फिनटेक अडॉप्शन इंडेक्स, और सेकेंड नंबर पर रशिया और साउथ अफ्रीका, ठीक है। अगला सवाल है कि 2019 UEFA चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी जीती है लिवरपूल ने, आप लोग कमेंट सेक्शन में UEFA के फुल फॉर्म बता सकते हैं। वर्ल्ड बैंक बोलता है कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ जो है 7.5% है। फेबुला AI जो स्टार्टअप है उसको ट्विटर ने क्या कर दिया है, एक्वायर्ड कर लिया है। अगला सवाल है, झारखंड में किस शहर में यहाँ पे ये इनॉग्रेट राज हाउस इनॉग्रेट किया गया है, उसका नाम है रांची। इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया हैज़ मैंडेट मेंशन ऑफ UDIN यानी यूनिक डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 जुलाई से यहाँ पे लागू करना है। द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2019 विल बी हेल्ड इन विच सिटी, द हेग में होगी। अगला है, US $287 मिले हैं तमिलनाडु को हेल्थ रिफॉर्म करने के लिए, तो वर्ल्ड बैंक ने दिए $287। अगला सवाल है, ये सुंदर पिचाई और ये अडेना फ्राइडमैन को यहाँ पे क्या मिला है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019 का मिला है, आपको पता है, नैसडेक के प्रेसिडेंट, नैसडेक के फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला सवाल है कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने MyPQ ये प्रोटेक्शन क्वेश्चन शुरू किया है, उसका नाम है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अगला सवाल, ग्रीस कर्नाड प्रोफेशनल एक्टर हैं, थे, राइट हो गए, डायरेक्टर भी थे। अगला है, ये रोमिला थापर जो यहाँ पे बन चुकी हैं इलेक्टेड एज अ इंटरनेशनल मेंबर ऑफ अमेरिकन फिलोसफी सोसाइटी, तो ये JNU में यहाँ पे प्रोफेसर है हिस्ट्री के। अगला सवाल है कि किसने टॉप किया है डेवलपमेंट ग्लोबल गोल जेंडर इंडेक्स सस्टेनेबल, तो ये है डेनमार्क, नंबर 2 पे फिनलैंड आया, इंडिया की रैंक आप लोग बताएंगे, ठीक है। अगला सवाल, IRDAI ने यहाँ पे 1 जुलाई से अपने जो रेट हैं उसको 12.5% बढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं, जो प्रीमियर स्मॉल एंड मीडियम प्राइवेट कार्स हैं, ठीक, तो 1 जुलाई से, और RTGS और NEFT के जो फी वेवर है उसको भी 1 जुलाई से यहाँ पे लागू किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू RBI डायरेक्शन ऑल फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन नेट वर्थ ऑफ रुपीज, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, आई थिंक आगे क्वेश्चंस आ गए, आई विल पार्ट टू में कवर करेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, RTGS NFT 1 जुलाई से यहाँ पे उसको वेवर कर देंगे। शरद कुमार यहाँ पे CVC बन गए हैं आपके, ठीक है, और इंडियन रेलवे डेवलपमेंट रेलवे स्टेशन को डेवलप करने के लिए फ्रांस के साथ ट्रीटी की गई है, ठीक है। अगला सवाल है कि RBI चेयरमैन कौन चेयरमैन किसके चेयरमैनशिप में RBI हैज़ फॉर्म्ड अ पैनल टू रिव्यू ATM इंटरचेंज स्ट्रक्चर, तो उसका नाम है VG Khan। चलिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, हमने क्विक रिविजन भी किया, और लाइक कॉमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए, जितने क्वेश्चन मैंने कॉमेंट में डालने के लिए कहे हैं वो आप डालिए, पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा,
तो बने रहिए तब तक, और मेरा जो टारगेट है 6 मंथ का वो मैं पूरा करके रहूँगा आपके एग्ज़ाम से पहले, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको पूरी तरीके से PDF और वीडियोस के माध्यम से मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा अपने लेवल पर, ठीक है। तो एंड आई एम सॉरी कि मैथ्स और रीजनिंग की क्लास नहीं आ पा रही, लेकिन रीजनिंग की क्लास आज शाम तक आपको अपलोड हो जाएगी। मैथ की क्लास मैं ही बनाता हूँ, तो अभी करंट अफेयर पर फोकस कर रहा हूँ, तो सॉरी सॉरी फॉर दिस। आप कोशिश कीजिए कि करंट अफेयर को अच्छे से कर लें, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत बहुत मदद मिल सके आपको, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फ्रेंड्स में आपको ज़रूर ज़रूर बताना है इस चैनल के बारे में, सब्सक्राइब कराना है एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स को। सो प्लीज़ अपने 10 दोस्तों को कम से कम सब्सक्राइब कराइए, और ये रिक्वेस्ट भी है और अपील भी है आप लोगों से, और शेयर कीजिए वीडियो को। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, बने रहिए, अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। बाय बाय।